इतना स्मूथ फील होता है ना एलोवेरा जेल लगाने के बाद। Hi you guys, welcome back to my channel Style with Sneha and मैं हूँ Sneha. So in today's video I'm going to tell you how you can straighten up your hair without getting some damage. क्योंकि आपको पता ही होगा straightening is a heating tool और जिसको frequently use करने से हमारे बाल damage हो सकते हैं. But in today's video I'll share one great trick with you जिसको use करके आपके बाल damage होने के chances काफ़ी कम हो जाते हैं and जो trick काफ़ी ज़्यादा easy है use करने में. So I'm sure ये video आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful होगा. सो यर यू कैन सी मैंने ऑलरेडी प्री हीट में डाल के रखा है अपना स्ट्रेटनर एंड आज मैंने हेयर वॉश किया है. सो आप देख सकते हो मेरे बाल काफ़ी हद तक ऑलरेडी स्ट्रेट ही है. टुडे आई विल यूज़ दिस स्ट्रेटनर. ये बहुत ज़्यादा ब्रांडेड नहीं है, ऐसे मैंने लोकल मार्केट से लिया था. विच कम्स विद दिस सिरेमिक प्लेटिंग एंड इसके साथ यू गेट दिस नॉब टू एडजस्ट हीट सेटिंग. तो सबसे पहले मैं अपने बालों को डिटैंगल कर लूँगी एक कोम की हेल्प से क्योंकि हमारे बाल फटाफट स्ट्रेटन अप हो जाए विदाउट एनी हैसल. देन मैं करूँगी अपने बालों का पार्टीशन. मैं अपना अपर साइड ऊपर टाइप करूँगी. सो स्ट्रेटनिंग को बहुत दिनों तक चलाने के लिए एंड डैमेज से बचाने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे दिस एलोवेरा जेल. येस यू हर्ड इट राइट, एलोवेरा जेल अपने बालों पे अप्लाई करने से वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे. एंड एलोवेरा एज आपको पता ही होगा कि हीट से प्रोटेक्ट भी करता है, बर्न से प्रोटेक्ट करता है, तो ये हमारे बालों को भी प्रोटेक्ट करेगा. एंड सेकेंड थिंग इज दिस हेयर जेल. तो हेयर जेल हम अप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि हेयर जेल अप्लाई करके हम स्ट्रेटनिंग करेंगे बालों की तो वो एक हफ्ते तक भी बाल वैसे ही स्ट्रेट रहेंगे. एंड आप कंफर्टेबल नहीं हो हेयर जेल यूज़ करने से तो यू कैन जस्ट एलोवेरा जेल. सो यू कैन सी द डिफरेंस किस तरह से ये स्ट्रेट हो गए हैं अच्छे से एंड एक शाइन आ गई है बालों में, क्योंकि स्ट्रेटनिंग के बाद इनमें एक अच्छी सी शाइन आ जाती है विच लुक्स वेरी ग्रेट. बचा है बस एक पोर्शन विच इज दिस, पहले इन्हें पीछे कर लेंगे. नाउ इसमें जितने आपके लंबे बाल है ना उतना आपको ड्रैग करते हुए दूर ले जाना है अपने बालों को सो दैट उन्हें अच्छी से स्ट्रेंथ मिल पाए एंड वो अच्छे से स्ट्रेट हो पाए. एज यू कैन सी स्ट्रेटन अप हो गए हैं मेरे बाल एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं एंड शाइनिंग भी लग रहे हैं. सो ये एक ट्रिक अगर आप यूज़ करेंगे ना एलोवेरा जेल वाली एंड वो हेयर जेल वाली तो आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ऐसे स्ट्रेट रह सकते हैं. एंड जब आप अपने बालों को वॉश करेंगे वापस से तो वो अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में आ जाएंगे, जैसे कि वेवी कर्ली जो भी है आपके बाल वैसे हो जाएंगे. सो या सो गाइज येस दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा एंड रहा है तो आपको पता है ना सब्सक्राइब करना है देन बेल आइकन हिट करना है क्योंकि फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है. एंड आप चाहो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो सो दैट उनको भी ये ट्रिक पता चले एंड उनके बाल भी थोड़े से कम डैमेज हो, है ना. सो या अब हम मिलेंगे इसी तरह के अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय.